केबीसी 11 में पहले करोड़पति बने बिहार के सनोजराज, अब सामने है 7 करोड़ का सवाल। कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सत्र में रोमांच बढ़ता जा रहा है। 1 करोड़ के सवाल के बाद अब 7 करोड़ के सवाल की बारी है। जी हाँ, इस हफ्ते बिहार के रहने वाले सनोजराज 7 करोड़ के सवाल का सामना करते हुए नजर आएंगे। इस सवाल का सामना करने का मतलब है कि 11वें सत्र का पहला करोड़पति मिल गया है। पहले करोड़पति बिहार के रहने वाले हैं जो 7 करोड़ के सवाल का जवाब देंगे। अब देखना यह है कि वो इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। सोनी की ओर से जारी किए गए एक प्रोमो में दिखाया गया है कि शो के होस्ट महानायक अमिताभ बच्चन सनोजराज को बताते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। उसके बाद उनसे 7 करोड़ रुपए का सवाल पूछा जाता है और सनोज का रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। हालांकि प्रोमो में यह दिखाया नहीं गया है कि वो 7 करोड़ के सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। अब इसका पता तो गुरुवार और शुक्रवार को प्रसारित होने वाले एपिसोड में पता चलेगा। कौन है सनोजराज? सनोजराज जहानाबाद के रहने वाले हैं। सनोज IAS बनना चाहते हैं और साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता राम जन्म शर्मा साधारण किसान हैं और सनोज ने जहानाबाद के स्कूल से ही अपनी पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने वर्धमान के एक कॉलेज से BTech की पढ़ाई की है और उसके बाद 2 साल से असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कौन बनेगा करोड़पति में पूर्वी चंपारण जिले के सुशील कुमार 5 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को हिमांशु ने 1 करोड़ के प्रश्न का सामना किया था, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने गेम को क्विट कर दिया। हिमांशु से 1 करोड़ रुपए के लिए 15वां सवाल पूछा गया कि किसके द्वारा उपनिषदों का फारसी में किया गया अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। इस सवाल के 4 विकल्प दिए गए थे, अबुल फजल, शाह वली उल्लाह देहलवी, दारा सिको और अहमद अल सर हिंदी। और इस सवाल का सही जवाब दारा सिको है। अब देखना यह है कि सनोजराज 7 करोड़ रुपए का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।